राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब को क्या पद से हटाया जा सकता है? अच्छा, पद से किस और क्या कंडीशन होगी ये मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन ये नौबत आई क्यों पहले ये समझ लीजिए। 8 अगस्त को कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे विनेश फोगाट का मुद्दा उठा रहे थे। उन्होंने सदन में कहा कि हमें जानने की जरूरत है कि इसके पीछे कौन था। वही मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे कि बीच में सभापति धनखड़ ने उनकी बात को काटते हुए ये कहा कि आपको इस मुद्दे पे राजनीति नहीं कर सकते। इसके बाद उनका माइक ऑफ कर दिया गया, फिर विपक्ष की तरफ से हंगामा मचाया गया। एक अगला वाक्य अगले दिन होता है जया अमिताभ बच्चन के नाम पर। 9 अगस्त को एक बार फिर से हंगामा शुरू होता है, जब सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के टोन पर सवाल उठा दिया। जया ने सभा में कहा था, जया बच्चन कहती है, धनखड़ साहब आपकी टोन ठीक नहीं थी। ये बात सुनते ही धनखड़ साहब गुस्सा हो जाते हैं, जया बच्चन को आड़े हाथ लेते हैं। उसके बाद विपक्ष जमकर के उन्हें खरी खोटी सुनाता है। एक दो वजह थी जिसको लेने के बाद अगले दिन न्यूज आती है कि हम महाभियोग लेकर के आएंगे और हमें ये नहीं चाहिए। अब विपक्ष एकजुट होकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, अगर ये महाभियोग लाएंगे तो इस समय राज्यसभा में लगभग इंडिया ब्लॉक के पास 87 सांसद हैं, जो धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव लाने में सहमति जता देंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत की राजनीति के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका होगा जब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सदन में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इतिहास। अच्छा, ये महाभियोग क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। हटा सकते नहीं हटा पाएंगे क्या होगा ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। महाभियोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके तहत जो टॉप मोस्ट पदों पर बैठे होते हैं, उच्च पदों पर आसीन है किसी भी अधिकारी, जैसे कोई राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर कोई भी संवैधानिक पद पर हैं, उनको पद से हटाने के लिए जब कार्रवाई की जाती है तो उस कार्रवाई की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान में दी गई है और इसे बहुत ही गंभीर मसलों में ही लाया जा सकता है, जैसे कि करप्शन का कोई चार्ज है या फिर जो उनको कर्तव्य दिया गया है उसकी अवहेलना कर रहे हैं या आचरण उनका ठीक नहीं है, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तब ये महाभियोग लाया जाता है। मतलब कार्रवाई की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, समझ लीजिए। राज्यसभा में जो सभापति का पद है ना, वो अपने आप एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ये भी आपको समझ माना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के स्वाभाविक सभापति होते हैं पहली बात। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर के एक साधारण बहुमत से करते हैं, ये भी आपको पता होगा। सभापति का काम राज्यसभा की कार्रवाई का संचालन करना होता है। सभापति राज्यसभा में दल बदल कानून के तहत किसी भी सदस्य की सदस्यता को रद्द कर सकते हैं, पावर है। इतना ही नहीं, कोरम ना होने पर कार्रवाई स्थगित भी कर सकते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सदन की कार्रवाई संविधान और सदन के नियमों के अनुसार चले। सदस्यों को बोलने के लिए समय देते हैं और बहस को वो नियंत्रित करते हैं। अच्छा, देखिए, राज्यसभा के सभापति चूंकि भारत के उपराष्ट्रपति भी होते हैं स्वाभाविक तरीके से, इसलिए भारत के संविधान में इस पद को दूसरा सबसे बड़ा पद माना जाता है। ये तो पावर होगी और इस पद की खासियत होगी कि क्यों इतना अहम है। अब जब हटाया जाता है तो क्या प्रक्रिया है? देखो, सभापति को राज्यसभा में प्रस्ताव के जरिए हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले आपको लिखित नोटिस देना होता है, जिसके बाद राज्यसभा में मौजूद सदस्यों की वोटिंग होती है और अगर बहुमत मिल जाता है तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से पदच्युत कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अभी राज्यसभा में कुल 225 सदस्य हैं और विपक्ष अगर सभापति धनखड़ को इस पद से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें कम से कम 113 वोटों की आवश्यकता जरूरत होगी। अब इसे ऐसे समझिए कि वर्तमान सदन में इंडिया गठबंधन के पास 87 सीटें हैं, वहीं बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस को अगर जोड़ दिया जाए तो फिलहाल ये संख्या 106 तक पहुंच जाती है, फिर भी 113 संख्या नहीं पहुंच पा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बात की जाए तो उसके पास आज अभी राज्यसभा में 110 सीटें हैं। अब अगले महीने यानी कि 3 सितंबर को राज्यसभा की 12 सीटों पर एक बार फिर चुनाव होने हैं और जहां एनडीए को कम से कम 10 सीटों पर जीत मिलेगी, ऐसे वो आश्वस्त हैं। यानी कि 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत हो जाएगा। दूसरी बात, धनखड़ के मामले में तो अगर प्रस्ताव राज्यसभा से पारित हो जाता है तो उसके बाद वह लोकसभा जाएगा, वहां भी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराना होगा क्योंकि सभापति देश के उपराष्ट्रपति भी हैं। राज्यसभा से निकलेंगे तो लोकसभा आके अटकेंगे। फिलहाल लोकसभा में एनडीए के पास 296 सांसद के साथ बहुमत है, जबकि विपक्ष के पास 234 सांसद हैं। यहां बहुमत के लिए 72 सीटों की आवश्यकता होगी, तो यहां पर भी एक चैलेंज देखने को मिल रहा है। ये पूरी प्रक्रिया है धनखड़ साहब को हटाने की, कमेंट सेक्शन बताइएगा। राज्यसभा पास, क्या लोकसभा पास कर पाएंगे या राज्यसभा में अटक जाएंगे और लोकसभा पहुंचने का मतलब नहीं होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। और धनखड़ साहब का एटीट्यूड आपको कैसा लगता है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।